वेलकम टू टाइम्स ऑफ सिनेमा। एमसीयू का सबसे आइकॉनिक वेपन म्यूनिर, जिसे सिर्फ थॉर उठा सकता है, और म्यूनिर की एक और पॉपुलैरिटी है कि इसे उठाने वाले को वर्दी होना पड़ेगा। डेट मीन्स अगर वो इसके लायक है तो उसके अंदर थॉर की शक्तियाँ आ जाएगी। बट कुछ ऐसे भी सुपर हीरो करेक्टर है जिसने म्यूनिर को उठा रखा है, और इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ सुपर हीरो के बारे में बात करेंगे जिसने थॉर के पावर को यूज किया है। डेडपुल। डेडपुल एमसीयू का वो करैक्टर है जो अपने मर्जी का मालिक है। उसके मन में जो भी आता है वो करता है, और उसे थॉर और म्यूनिर के साथ स्क्रीन पर दिखाना गॉड ऑफ थंडर के लिए इंसल्ट होगा। बट कॉमिक्स में स्टोरी कुछ अलग है। कॉमिक्स में एक बार डेडपुल ने म्यूनिर को लिफ्ट किया है, और इसके पीछे की काफी अच्छी स्टोरी भी है। जैसे कि डेडपुल इशू 37 में, जब डेडपुल और लोकी काफी वक्त बिताते हैं और वो दोनों में काफी गहरी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद लोकी डिसाइड करता है कि वो डेडपुल को एक गिफ्ट देगा, और उस गिफ्ट में लोकी उसे म्यूनिर देता है, जिसके बाद डेडपुल म्यूनिर को समन करके फ्लैग कर सकता था और वो थॉर के पावर को यूज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और हम सभी डेडपुल के हरकतों को जानते ही हैं, और उसके पास इसके लिए एक अलग प्लान था। वो इसे बेसबॉल और बैट की तरह लोगों को मारने में बस यूज किया, और उसके अलावा उसने उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। और फिर हम लोग गॉड ऑफ लाई और गॉड ऑफ मिसचीफ यानी कि शरारतों के देवता लोकी को कैसे भूल सकते हैं। उसने भी डेडपुल को कोई ओरिजिनल म्यूनिर नहीं दिया था, वो सभी फेक म्यूनिर था जिसे डेडपुल यूज कर रहा था अपने बेसबॉल और बैट बॉल की तरह। बट फाइनली हमें डेडपुल को एक थॉर के रूप में देखने को तो मिला था, जो कि कॉमिक्स में आपको मिल जाएगा। फोर्थ वॉल ब्रेक इनसाइड अ फोर्थ वॉल ब्रेक, दैट्स लाइक 16 वॉल्स। लोकी। लोकी को मार्वल ने एक विलन के रूप में दिखाया है जिसने एवेंजर के साथ लड़ाई किया है, और उसने अर्थ के ऊपर भी अटैक किया है, और ज्यादातर कॉमिक्स में भी आपको लोकी विलन ही दिखेगा। बट लोकी बाकी सभी विलन की तरह प्योर विलन नहीं है, वो एक हारा हुआ हीरो है। लेकिन कॉमिक्स के एक इशू में इसका पूरा उल्टा होता है, जहां पर लोकी हीरो होता है और थॉर विलन। तो ये स्टोरी है एक्सिस नाम के एक कॉमिक इवेंट की, जहां पर लोकी रेड स्कल को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके पास पावर होती है कि वो किसी भी कैरेक्टर के पर्सनैलिटी को उल्टा कर देगा, मतलब कि अगर कोई कैरेक्टर अच्छा है तो वो बुरा बन जाएगा, और कोई कैरेक्टर बुरा है तो वो अच्छा हो जाएगा। और इसी वजह से लोकी वर्दी हो जाता है, जिसके बाद लोकी इजिली म्यूनिर को होल्ड कर पाता है और वो उसके पावर को भी समन कर लेता है। बट एक्चुअल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लोकी कभी भी थॉर के म्यूनिर को नहीं उठा सकता। God, you dull creature, and I will not be bullied by... सुपरमैन, जो कि लाइट के स्पीड तक फ्लाई कर सकता है, जिसके पास कितना पावर है वो किसी को मालूम भी नहीं, और मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलर सुपर हीरो है। कार्ल एल या फिर बोल सकते हो क्लार्क केंट, इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और सुपर ड्यूरेबिलिटी है, और इसके पास कौन कौन से पावर है आपको मालूम भी नहीं होगा। सुपरमैन सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, बल्कि वो प्योर हार्ट है। उसका दिल काफी साफ है, और वो हमेशा लोगों का भलाई करता है। उसके पास इतना ओवर पावर होने के बावजूद भी उसने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो आज भी एक रिपोर्टर का काम करता है, जो कि बस और ट्रेन से ट्रेवल करता है, और यही चीज तो सुपरमैन को वर्दी बनाता है ताकि वो म्यूनिट को होल्ड कर सके। लकली 1979 में मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर होता है, जहां पर जस्टिस लीग और एवेंजर एक दूसरे के साथ मिलकर एक विलन के साथ लड़ाई करते हैं। उस दौरान एक वक्त आता है जहां पर सुपरमैन थॉर की म्यूनिट को भी होल्ड करता है और उसके पावर को भी समन करता है, और साथ ही साथ सुपरमैन कैप्टन अमेरिका के शील्ड को भी इस्तेमाल करता है। जिसके बाद जब ये लड़ाई खत्म हो जाती है तो सुपरमैन थॉर और कैप्टन अमेरिका को उसका शील्ड और हैमर दे देता है, और हमें उसी क्रॉस ओवर में पता चला था कि सुपरमैन भी वर्दी है ताकि वो म्यूनिर को उठा सके। हल्क। हमेशा से ही ये कंट्रोवर्सी रहा है कि हल्क और थॉर में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, और ये कंट्रोवर्सी सिर्फ हमारे बीच में नहीं बल्कि कॉमिक्स में भी रहा है, और कॉमिक्स के सभी सुपर हीरो के बीच में रहा है कि हल्क और थॉर में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। वेल, आपके हिसाब से थॉर और हल्क में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? हल्क, जो कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो क्या वो थॉर के म्यूनिट को होल्ड कर सकता है? वेल, थैंक्स टू स्टैनली जिसने इसका आंसर दिया। सो ये स्टोरी है कॉमिक बुक इवेंट जर्नी ऑफ द मिस्ट्री में, जहां पर थॉर और हल्क के बीच में कंट्रोवर्सी हो जाती है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। हल्क बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं, तो
थॉर बोलता है मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। जिसके बाद थॉर के पास एक आइडिया आता है और वो ओडिन से रिक्वेस्ट करता है कि म्यूनिर पे से वर्दीनेस का पावर हटा देने के लिए। जिसके बाद कुछ पल के लिए वर्दी का पावर हट जाता है और हल्क इजिली उस म्यूनिर को उठा लेता है। बट उस लड़ाई में भी ये प्रूफ हो जाता है कि हल्क उतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल थॉर है। बट इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कॉमेंट में जाकर बताओ। वेल यही कुछ सुपर हीरो थे जिसने थॉर के हैमर को उठाया था और उसके पावर को समन किया था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ अगर आपको मार्वल के बिना VFX वाले सीन को देखना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।